ब्लॉक हो चुका पूरा ये। कुछ चला भी लेते हैं, कोई रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया और ना ही कोई, ओहो कोई यहाँ पर कोई इंजीनियर भी नहीं है। 10 बजे मेरी मतलब तकलीफ बाइक ख़राब हुई और अब बज रहे हैं शाम के 6:30, पूरी बाइक खोल दी। दोस्तों अभी हम निकल पड़े हैं मंडी से 10 किलोमीटर पहले, 10-15 किलोमीटर पांडो निकल पड़े हैं। हो गया भाई चलो घर के लिए जो है। और यहाँ चल 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 यहाँ डलवाएंगे पेट्रोल गाड़ी में फुल, फिर निकलेंगे दिल्ली की ओर। और कल का दिन एडवेंचर बता भी रहा नहीं भी, चलो अच्छा ही रहा जो भी है। अब चलते हैं पेट्रोल पंप, वहाँ से तेल पेट्रोल डलवा के दिल्ली की ओर चलते हैं। ये चेन क्लीनिंग का आखिरी दिन, उसके बाद अगला ट्रिप जब लगे तब तब होगा। ब्लॉक हो चुका पूरा ये, कुछ चलवा भी लेते हैं, कोई रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया और ना ही कोई, ओहो कोई यहाँ पर कोई इंजीनियर भी नहीं है। चलो पांडव से निकलते हैं। हाँ अगर पांडे से वहाँ से निकल जाओ, पीछे निकल जाओ चंडीगढ़ के लिए। चलो और दोस्तों वो रास्ता ब्लॉक होने की वजह से हमने दूसरा रास्ता लिया है, और रास्ते में हमें और भी राइडर मिले, हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया भाई आगे रास्ता बंद है, 2-3 मिनट लग जाएंगे निकलते निकलते। तो हमने वो कुछ राइडर हमारे रास्ता चल रहे हैं। चलो और दोस्तों जहाँ से जाम लगा था, जहाँ से लैंड स्टैंड हो रखा था, वो रास्ता ब्लॉक होने की वजह से हमने रूट चेंज किया। जहाँ पे हमने रूम लिया था वहीं से हमें आना पड़ा वापस, और लोगों से पूछ पूछ के पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के उतर के चढ़ के छोटी छोटी रास्ते थे। और बाद में चंडीगढ़ का बोर्ड मिला 197 किलोमीटर। अब यहाँ से आगे जाके तो हाईवे टच होगा जो यहाँ के लोगों ने बोला है कि आगे जाके आपका हाईवे मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप निकल सकते हैं आराम से। अब लेकिन वहाँ के लोकल लोगों से जो हमने पता किया भाई यहाँ से 3 जगह लग जाएगा निकलते निकलते, क्योंकि जो गाड़ी क्रेन है वो खुद ही पलटी हुई है, पहले वो गाड़ी हटाई जाएगी फिर रास्ता बनाया जाएगा। अब वहाँ पर 3-4 घंटे तो बर्बाद थे। अब हमने एक डेढ़ घंटे में हमने यहाँ पर क्रॉस कर लिया हमें। अब ये देखते हैं हमें हाईवे कब मिलता है। तो फ्रेंड्स आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है, बहुत ज़्यादा। 10 बजे मेरी मतलब तकलीफ बाइक ख़राब हुई और अब बज रहे हैं शाम के 6:30, पूरी बाइक खोल दी, पता नहीं लगा क्या दिक्कत है बाइक में। लेकिन बाद में पता लगा कि बाइक के जो इंजन है उसमें ऑयल ही नहीं है, पूरा ऑयल ख़त्म हो गया और पूरी जो इंजन है पूरी ख़राब हो गई। तो बाइक हमने यहीं छोड़ दिया, अब बाइक हम यहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं हंस ऑटो वर्क, ये फ़ोन नंबर है उनका। तो फ्रेंड्स हमें ये बाइक यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 3-4 दिन लगेंगे इस बाइक को ठीक करने। तो पॉसिबल नहीं है कि हम 3-4 दिन यहाँ रहें, हम आएंगे 10-15 दिन बाद फिर यहीं पे ही ये बाइक लेने के लिए। इसको हम 6,000 रुपये दे के जाएंगे, बाकी जो भी खर्चा होगा हम यहाँ आके इसको दे देंगे। तो 10-15 दिन बाद हम आएंगे तो हम आके ले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों आज का दिन कितना बेकार, कितना घटिया,
मतलब टेंशन भरा दिन रहा। अब कल जो मेरी बाइक है बुलेट में सकती, हम दोनों इसी बाइक में जाएंगे, कुछ सामान कम करके सामान ही छोड़ जाएंगे, 10-15 दिन आधा रहेंगे, यानी अगस्त में आएंगे, जुलाई के महीना चल रहा है तब आके ले जाएंगे। गाड़ी खराब हो गई है और हमने गाड़ी छोड़ दिया यहाँ पर किसी मैकेनिक के पास, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, उसमें जो इंजन ऑयल था, अब हमें इतना आइडिया था नहीं इंजन, हमने सोचा कि इंजन चलेगा हमारा घर तक, इंजन ऑयल ख़त्म हो चुका था और उसमें कुछ ही रह गए थे, थोड़े बहुत रह गए थे, जिसकी वजह से इंजन टक बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जब हमने पूरे सुबह थे यहाँ वहाँ चेक किए करवाए, पहले एक चेक करवाया तो उससे हुआ नहीं, फिर दूसरे जगह ले गए, वो भी लगा रहा उसने, वो भी परेशान हो गया, फिर उसके कोई उस्ताद जी थे कोई, वो भी आए, वो भी लगे। बाद में जब सारा सामान खोलने में, बाद में इंजन खोला तो पता लगा पहले इसमें तो ऑयल ही नहीं है, ए प्रभु। उसने फिर हमने पूछा अब क्या होगा सर जी, अब तो इंजन ऑयल है पूरा, आपकी इंजन बैठ चुका आपका, फिर क्या करें भाई। उन्होंने बोल दिया हमें 2-3 दिन लगेंगे इसमें ना भाई, एक दिन हमारे बर्बाद हो गए। तो हमने प्लान किया भैया गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, यही गाड़ी रिपेयर कर। हमने उतने वैसे 10-15 दिन टाइम मांगा उसने भी, क्योंकि यहाँ पर सामान आसपास में सामान मिलते नहीं है ये हमारे इतने, तो उसने कहा सामान मंगाने पड़ेंगे बाहर से। तो हमने बोले तू सामान कुछ हमारे पास स्लीपिंग बैग थे और कार्तिक का जो टॉप बॉक्स था उसको हमने उसी के शॉप में रख दिया, और टेंट भी वहीं रख दिया और गाड़ी भी दे रख दी वहीं पर। हमने भाई तो गाड़ी कर दे, 10-15 दिन बाद हम दोबारा आएंगे फिर गाड़ी ले जाएंगे यहाँ से। कुछ अमाउंट था उसका, कुछ हमने उसका कुछ अमाउंट कैश दिया, सॉरी ट्रांसफ़र कर दिए, कुछ अमाउंट पेंडिंग है, जब कंप्लीट होने के बाद उसको हम दे देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो कार्तिक की गाड़ी में तो स्लीपिंग बैग टेंट वेंट तो कम हो गया, सामान वहीं रख दिया, तो कम सामान कम हो गया, तो मैं कार्तिक की गाड़ी में बैठ गया और जो मेरा टॉप बॉक्स था उसको कार्तिक की गाड़ी में फिट करे, क्योंकि मेरा टॉप बॉक्स बड़ा था उसमें सामान ज़्यादा आ जाएगा, पूरा सेट कर दिया। अब कार्तिक की गाड़ी बुलेट में बैठा हूँ पीछे, अब कार्तिक भी कंफर्टेबल है और जो मेरा बैग था वो मैंने गोदी में रख लिया है, कार्तिक भी कंफर्टेबल है, मैंने भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम निकलेंगे और क्या करें, चलो घर पहुँचते हैं।